फाइनली हम लोग अभी ट्रैकिंग करेंगे साइक्लोपियन वॉल पे, और ये जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी पुराना है ये। चलता रहे चलता रहे चलता रहे भाई चलता रहे चलता रहे। सो फाइनली हम लोग साइक्लोपियन वॉल के ऊपर आ गए। हम लोग को चढ़ना उस वाले से, वो रहा वॉल, ऐसे वॉल बना हुआ है ऊपर तक। हम लोग अभी इस वाले रेंज पे यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे से वहाँ से जाएंगे ऐसे ऊपर। सो हम लोग अभी साइक्लोपियन वॉल के ऊपर हैं। एक पीछे उस साइड भी वॉल है, इस साइड भी रास्ता है। ये पूरा 40 किलोमीटर ऐसे राउंड लॉन्ग है जो कवर करता है इस पूरे एरिया को। ये ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जैसा ही है ये। ये हम लोग यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे रॉक्स में से बनाया हुआ है इसको। ये बहुत ऊपर तक है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। शायद हम लोग उतना अभी चढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश भी आने वाला है और हम लोग को दूसरे लोकेशन पे भी जाना है, तो हम लोग अभी जा नहीं पाएंगे ऊपर तक। ऊपर तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता भी ऐसे टूटा टूटा थोड़ा है, पर ऐसे बहुत लॉन्ग है ये। ऐसे पूरा अप्रॉक्स घूमा हुआ है, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है ये। ऐसा लग रहा है हम लोग कुछ ज़्यादा ही ट्रैक कर लिया है कि पूरा एकदम थकान महसूस हो रहा है। उफ, थोड़ा सा और ऊपर रह रहा है, ऐसे लॉन्ग है, पर ये उस ये इस वाले माउंटेन की पीक तक हम लोग पहुँच जाएंगे जो सीधा ट्रैक करते रहे। तो यहाँ पे बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह है, तो बेसिकली आप इसके बारे में थोड़ा सा पता कर सकते, फिर एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मेरे को लगता है कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए। यहाँ से सामने भी एक रेंज दिख रहा है, वैली है यहाँ पे, वो मैं ट्राई करूँगा दिखाने का। ओह माय गॉड, वाह, यहाँ पे कहीं तो झरना जैसा कुछ तो बना हुआ। नहीं नहीं झरना नहीं है वो, कुछ तो बना हुआ है। सब बच्चे नहा रहे हैं वहाँ पे, और ये यहाँ पे एक वैली बना हुआ है। अभी हम लोग इस वॉल के मदद से ऊपर तक जा सकते हैं, पर कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। शिवम भी थक गया, वो पीछे ही रह गया। हाँ, उस वाले साइड उधर जो वैली है, मतलब जो वैली के बीच से उधर वाटरफॉल एक आता है, उधर लोकल लोग शायद जाते होंगे पर हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता नहीं पता है। ऐसा सा कुछ बना हुआ है यहाँ पे, और वो वाले मैं बात कर रहा था कि वाटरफॉल आता है सामने नीचे से, वो बहुत उसके पूरे पीछे वाले भी, इससे बड़ा पीक है एक वो और पीछे है वो साइड में, उधर से ही वाटरफॉल आता है, वो बहुत ही तगड़ा है। मेरे को ऐसा सुनने में आया कि वाटरफॉल है, पर उधर ऐसा इजीली जाना अलाउ है भी नहीं, कोई जाता भी नहीं है, लोकल्स लोग जाते हैं। सो अगर आपको भी ट्रैकिंग में इंटरेस्ट हो, ट्रैकिंग करना चाहते हो आस पास अपने राजगीर में, तो ज़्यादा दूर नहीं। हाँ, ये लोकेशन एग्जैक्टली आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। वो यहाँ से वाइट कलर का जो भी एरिया दिख रहा है ना उस वाले, वहाँ पे शांति स्तूपा है। उसके शांति स्तूपा के मेन गेट से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर होगा। वो माउंटेन की वजह से नज़दीक लग रहा है पर उसका रास्ता थोड़ा दूर है। 4 किलोमीटर अप्रॉक्स यहाँ पे ये जो भी है, तो ऐसा सा कुछ दिख रहा होगा आपको। सो अब मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा इसलिए नीचे जा रहा हूँ, और यहाँ से हम लोग जाएंगे घोड़ा कटोरा, जो कि एक बहुत ही सुंदर लेक है जिसके अंदर हम लोग बोटिंग कर सकते हैं, ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
हाँ सो फाइनली गाइस हम लोग घोरागढ़ लेक पहुँच गए जो कि राजगीर का सबसे सुंदर आई मीन कि मेरे को लगता है कि बिहार का सबसे सुंदर लेक है। आप पीछे मेरे साथ देख सकते हो स्तूपा है जो पानी के बीच में है और बोटिंग भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे आने के लिए आप सिंपली बुद्ध शांति स्तूपा है वहाँ से एक हवाई ले सकते हो जो टोटो जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं आता क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट के अंदर है। आप पीछे देख सकते हो वैलीज भी है। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब टाइम है इंजॉय करने का। बोटिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से, आई मीन एक घंटे से, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। Hey guys. Hey fam. ये हम लोग अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं फैम। पूरा पीछे ले ले भाई पूरा। Hey fam, मुझे अकेले ही पैडल चलाना पड़ रहा है फैम। आप देख सकते हो मेरा स्ट्रगल फैम। अगर जो देखा जाए ना तो बिहार में बहुत सारे छोटे 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 वाटरफॉल्स हैं और ऐसा ऐसा बहुत ही सुंदर लेक भी है। गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ बिहार। बहुत ही पीसफुल जगह भी है, एडवेंचरस जगह भी है, लाइक बहुत बढ़िया लेक है। मतलब बहुत बढ़िया जगह है। आप कभी भी राजगीर आओ तो जरूर आना, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया जगह ही है। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। Hey guys, thank you so much for watching the video. हम लोग अब घर जा रहे हैं और कल फिर निकलेंगे कोई नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।